बहुत ज़्यादा जरूरत है वी मस्ट ड्रिंक टू ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे टू बिकम हेल्दी हमें रोज दो ग्लास दूध जरूर पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए इट इज अ कम्प्लीट फूड मिल्क को हम कंप्लीट फूड भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जो हमें चाहिए होते हैं इसलिए इसका नाम कंप्लीट फूड भी है अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा वाटर अपार्ट फ्रॉम फूड वाटर इज वेरी असेंशियल फॉर आर हेल्थ फूड के अलावा भी एक ऐसी चीज है पानी जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो पानी तो हमें चाहिए ही जिंदा रहने के लिए लेकिन हमारे फूड में भी हमारी हेल्थ के लिए भी पानी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है We drink to of water every day. हमें रोज सिक्स से लेकर एट ग्लासेस वाटर जरूर पीना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए हेल्प्स हेल्प टू डाइजेस्ट फूड जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी वाटर बहुत जरूरी होता है उस खाने को पचाने के लिए वॉटर जरूरी होता है इट आल्सो हेल्प्स अस टू थ्रो आउट दी वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी और हमारी बॉडी में जो जो वेस्ट बनता है जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी वाटर हेल्प करता है तो इसलिए आपने देखा कि मिल्क और वाटर दो ऐसी चीज है जो हमारे फूड का ही पार्ट है और जो हमार को हेल्दी रहने में बहुत हेल्प करता है एक मिल्क है जो हमें रोज दो ग्लास पीना चाहिए और वॉटर हमें रोज सिक्स टू एट ग्लासेस पीना चाहिए दिस इज मिल्क एंड वॉटर और दोनों ही हमारे हेल्थी रहने में बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा बैलेंस्ड डाइट अब बैलेंस डाइट क्या होता है जैसे कि आपको इसके नाम से देख के पता चल रहा है बैलेंस बैलेंस का मतलब ऐसी चीज जिसमें दोनों जगह पे दोनों जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेट हो तभी हम उसको बैलेंस्ड बोलते हैं जैसे कि आप आप सीसो सीसो पे झूलते हैं तो दोनों तरफ सेम वेट के बच्चे बैठते हैं ना तभी तो वो बैलेंस्ड होता है इसीलिए बैलेंस डाइट में भी हर चीज जो है वो सेम अबाउट वेट होती है उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं अ डाइट व्हिच कंटेेंस ऑल टाइप्स ऑफ फूड सच एज एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट ऐसी डाइट जिसमें तीनों टाइप के फूड्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे थ्री टाइप्स ऑफ फूड तीनों टाइप की फूड एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव होती है उस डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं इट फुलफिल्स ऑल द नीड्स ऑफ आर बॉडी ऐसी डाइट क्यों जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी की सारी नीड्स को फुलफिल करती है अभी हमारे बॉडी में एनर्जी भी देती है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में भी हेल्प कर रही है और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट भी कर रही है इसलिए हम इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट क्योंकि ये हमारी बॉडी की सारी नीड्स को फुलफिल करती है सारी नीड पूरी करती है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए पोटैटो ब्रेड और व्हीट ये सब चीजें हैं ये सब चीजें कैसी होती है ये मैंने बताया था आपको ये सब हमें एनर्जी गिविंग फूड है और ये सब हमें एनर्जी देती है तो ये ऊपर देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें एनर्जी गिविंग फूड है नीचे देखिए नीचे सारी हमारे पास मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट और बटर एग्स फिश ये सब दे रखा है ये सब क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड्स तो नीचे वाले जगह पे हमारे सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स है और सबसे टॉप राइट कॉर्नर में हमारे पास है फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स ये सब क्या है हमारे प्रोटेक्टिव फूड तो देखिए आप इस सर्कल में ये पूरी एक बैलेंस डाइट है क्योंकि इसमें तीनों तरह के फूड मौजूद है एंड इट फुलफिल्स ऑल नीड्स ऑफ आर बॉडी और हमारी बॉडी की नीड्स सारी नीड्स को कंप्लीट करता है अब आगे आइए अब कुछ डूज एंड डोंट्स है फिट और हेल्दी रहने के ये क्या होते हैं डूज का मतलब ऐसी चीजें जो हमें करनी चाहिए और डोंट का मतलब ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए फिट और हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले डूज पे आते हैं वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील हर मील से पहले अपने हैंड को वॉश करना बहुत जरूरी है खासकर कि आजकल तो जैसे कि आप देख रहे हैं इतना कोरोना वायरस फैल रहा है आजकल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बट वैसे भी उसके बिना भी आपको हर मील से पहले अपने हैंड वॉश जरूर करनी चाहिए क्योंकि हमारे हैंड्स पे बहुत सारे बैक्टीरिया और डर्ट लग जाते हैं जो हमारे पेट में चले जाएंगे अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे

धीरे-धीरे खाना चाहिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वरना हमारे गले में अटक सकता है ईट लॉट्स ऑफ सैलेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारा सैलेड और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए ड्रिंक मिल्क एंड फिनिश फूड इन योर प्लेट आपको दूध पीना चाहिए और आपकी प्लेट में जितना भी खाना है जो आपकी मम्मा ने दिया है वो सारा फिनिश करना चाहिए अब आते हैं डोंट्स पे ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए डू नॉट ईटिंग खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए ऐसे करने से आपके कभी कभार जो सांस लेने की नली है उसमें खाना अटक सकता है तो कभी भी खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए डू नॉट ओवर ईट ओवर ईट का मतलब जरूरत से ज्यादा खा लेना कभी कभी ऐसी कोई चीज बनती है जो हमें बहुत पसंद हो या फिर हमें बहुत टेस्टी लग रही हो तो हम जल्दी जल्दी में बहुत सारा खाना खा लेते हैं और बाद में फिर हमारे पेट में दर्द होता है तो इसलिए हमें ओवर ईट नहीं करना चाहिए जितनी आपको जरूरत हो उतना ही खाना चाहिए डो नॉट ईट टू मैनी बर्गर चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम बहुत सारे बर्गर चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये अनहेल्दी फूड है कभी कभी चल जाता है लेकिन आपको बार-बार या फिर बहुत जल्द जल्दी ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए ये फास्ट फूड होती हैं और ये अनहेल्दी फूड होता है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता डू नॉट ईट स्टेल फूड अब ये स्टेल फूड क्या होता है स्टेल फूड मतलब कि बासी खाना ऐसा खाना जिसको बने हुए काफी टाइम हो चुका है हमें स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता हमें फ्रेश बना हुआ फूड ही खाना चाहिए डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड ऐसा खाना जो कि बहुत देर से उघड़ा हुआ रखा हो जिसको हमने ढक नहीं रखा वो खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि हो सकता है उस पे इंसेक्ट्स कोई गिर गए हो मच्छर मक्खी कुछ गिर गया हो या फिर कभी-कभार रैट्स भी होते हैं माउस होते हैं हमारे किचन में और वो घुस के उस खाने को खा गए हो तो इसलिए ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए जो कि अनकवर्ड हो या फिर सबसे पहली बात तो कभी भी अनकवर्ड फूड छोड़ना ही नहीं चाहिए हमेशा फूड को ढक के रखना चाहिए और अगर छूट गया गलती से तो उसको खाना नहीं चाहिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फूड कंप्लीट होता है विद ऑल इट्स टॉपिक एंड लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे अब इसकी द ब्लैंक्स